दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिल्मोरा पे यहाँ पर मैंने एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाई हुई है, जिसपे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे ऐड करेंगे, कैसे उसे ट्रिम करेंगे, कैसे उसे सेट करेंगे अपनी किसी भी वीडियो में। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्लिप है वो दोनों यहाँ पर ले लिए हैं, और जो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है वो भी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखा लेता हूँ, जो पहले आफ्टर की थी और उसके बाद जो बिफोर की थी, दोनों वीडियो आपको दिखाता हूँ और दोनों वीडियो में आपको यहाँ डिफरेंट है वो समझ में आ जाएगा। आगे को आते रहो, सीधे आगे देखो, शाबाश, आते रहो आते रहो। हाँ आगे देखो, आगे देखो, सीधे देखो। हाँ वेरी गुड, चलते रहो चलते रहो। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों जो वीडियो हैं, जो वीडियो क्लिप हैं, इन पे मैंने क्या कर रखा है, साउंड जो है ऐड किया हुआ है। और उससे पहले साउंड कैसा था, उससे पहले जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कैसा है, आपने सुन लिया है। और आपको आज यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी सिंपल सी वीडियो में यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो अपनी वीडियो है, अपनी जो क्लिप है, उसको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब एक बार इसे प्ले कर लेते हैं। आगे को आते रहो, सीधे आगे देखो, शाबाश, आते रहो आते रहो। हाँ आगे देखो। तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो यहाँ पर ऐड कर रखी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरा साउंड है यहाँ पे आगे देखो, सीधे तो देखो। इसको यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्या करना है, आपने डबल क्लिक कर लेना। तो चलिए मैं इसमें कर लेता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वीडियोस का, ऑडियो का, कलर का और मोशन का। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑडियो पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऑडियो का लेवल आपको दिख रहा है, आपने क्या करना है, इसको पूरा का पूरा जीरो कर देना है इस तरीके से। यानी कि जो आपका ऑडियो का लेवल है, जो आपकी वीडियो की जो ओरिजिनल साउंड है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और इसे हम कर लेंगे ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्टार्टिंग से दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो हमारा बैकग्राउंड साउंड था, वो यहाँ पर क्या हो चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पर म्यूट हो चुका है या रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, अपने जो हमारा म्यूजिक है उसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी एमपीसी की फाइल को ले लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली उठा के ड्रैग करेंगे और इसे भी यहाँ पर ले आएंगे इस तरीके से। अब हम एक बार इस साउंड को प्ले करके देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है ये हमको नहीं चाहिए, हमको बस वहां पर से चाहिए जहां पर से हमारा गाना स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। और ट्रिम करने के लिए पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं हमारा जो साउंड है, जो हमारे म्यूजिक को कहां पर स्टार्ट। तो हमारा जो म्यूजिक है वो यहां पर स्टार्ट हो रहा है, हम एक बार से पीछे कर लेते हैं। यहां पर आपको मिल जाता है कट का ऑप्शन, तो हम इसे यहां पर से क्या कर लेंगे, कट पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारी ऑडियो फाइल है वहां पर कट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पहली वाली फाइल में क्लिक करेंगे और इसे हम यहां से क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। इसे यहां पर से आप कर लेंगे रिपल डिलीट। तो देखिए जो आपकी लेफ्ट साइड की फाइल थी वो पूरी कट हो चुकी है। अब हम इधर से प्ले करके देखते हैं। अब देखिए हमारा जो सॉन्ग है वो हमने यहां पर ऐड कर लिया, लेकिन हमारा जो सॉन्ग है वो क्या हो रहा है, एकदम से स्टार्ट हो जा रहा है। ये देखिए, तो अगर आप चाहते हैं आपका साउंड धीरे से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में जो हल्का सा फेड इफेक्ट दिखे, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन मिलता है। तो आपने क्या करना है, जैसे आप फेड इन करेंगे तो आगे से देखिए आपको यहाँ पर साउंड कम जाता होता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसे इतना रखते हैं, इतना। अब एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। इसे बोलते हैं फेड इफेक्ट, यानी कि हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है और जो हमारा ऑडियो वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाता है फेड इन, यानी कि स्टार्टिंग में जब आपका गाना स्टार्ट होगा वो धीरे से स्टार्ट होगा और लास्ट में फेड आउट, यानी कि जब आपका गाना खत्म होगा वो हल्के से यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा। अब हमारा जो जो हमारी वीडियो है वो हमारी खत्म हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी सॉन्ग को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा साउंड खत्म हो रहा है, इससे हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कट मारेंगे इस तरीके से, और इसे हम कर लेंगे यहाँ पे डिलीट, और इसे भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फेड कर लेंगे, ताकि लास्ट में भी हमारा जो म्यूजिक वो हल्के से खत्म हो। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर फेड आउट, और फेड आउट में देखिए नीचे आपको लाइन दिख रही होगी हल्की सी कम ज्यादा होते हुए, हम इसे इतना कर लेते हैं। चलिए अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर फेड इन और फेड आउट दोनों यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपनी किसी भी वीडियो पे यहाँ पर कोई साउंड, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कोई भी गाना ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।